सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपने जो ये मानवता का पाठ पढ़ाया, हमने जो वीडियो देखा, जो आप पानी में उतर के आप घर घर सब जरूरत चीजों को पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी फैमिलीज फंसी हुई हैं, उनको कुछ दिक्कत आई है, उनके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से अपना जीवन स्तर नॉर्मल लाइन के ऊपर आ जाए। और बाकी काफी बुरे हालात थे वहां पे जो हमने देखा, लेकिन अभी आज चीजें कंट्रोल के अंदर हैं सारा कुछ। सबने, बहुत से लोग बाहर से आए और भी बहुत सहायता कर रहे थे, तो बाकी वही है कि मानवता के लिए मुझे यही लगता है कि जब हम पूरा भारत या जितने भी हम हैं इंसान, सभी भाई बहन है, एक दूसरे के साथ है, किसी मुसीबत का कभी नहीं पता किसके ऊपर आ सकती है, तो हमेशा एक दूसरे के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो बस वैसे ही अपना एक छोटा सा फर्ज समझ के मुझे लगा कि मुझे मदद करनी चाहिए। तो ये मतलब आपके साथ और भी लोग आए, कैसे जुड़े और कैसे आप लोगों ने ये प्लान किया कि नहीं हमें जाकर घर घर जाकर के लोगों की मदद करनी है, और कैसे हुआ है सब? यहाँ पे एक्चुअली पंजाब में मैंने देखा है, बाकी हर जगह भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी खासियत यह है कि जब कोई दिक्कत आती है तो ज्यादा लोग जल्दी एकत्रित हो जाते हैं, तो आजू बाजू गाँव से लोग अपना पूरा ट्रॉली में भर भर के राशन पानी का सामान लेके, तो ऐसे जब आती है विपदा तो सभी पहुंच जाते हैं। तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितने भी गाँव के लोगों ने, इवन वहां पे आकर भी जैसे हम चीजें दे रहे थे, तो बाकी जो लोकल्स भी थे उन्होंने भी आके सहायता मुहैया करवाई कि कोई भी अपना कोई फूड दे गया, कोई कुछ दे गया, तो बस वही हम वहां से बेस से उठा के बांट के फिर आ जाते थे। तो ऐसा सब लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दिया। ये एक तरह से नेक काम है और दिल से किया जाता है। आपको डर नहीं लगा पानी में जाना है, या सब बहुत लोग नहीं करते हैं इस वजह से कि हमें भी प्रॉब्लम होगा या सारी चीजें? आई थिंक, पता नहीं जी, हर किसी के अपने अपने मन की बात है। अब कई जैसे है कि शायद वो कुछ सामान लेने के लिए नीचे भी नहीं आते थे, जैसे आप डर की बात करते हो, जी तो हमने खुद जाकर वहां पे पहुंचाया। लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं, मन से अपने आप ही जब कुछ ऐसी चीज करने जाते हैं तो कुछ कभी महसूस नहीं होता। आई बिलीव इन गॉड, तो मुझे हमेशा है कि ऊपर वाला है साथ में, तो अगर उन्होंने हमें ये मौका दिया है सेवा करने का या कुछ भी, जो भी थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से समाज सेवा कर सकते हैं, तो वो अपने आप ध्यान रखेंगे हमारा तो बस ये सोचकर निकल जाते हैं। और किस तरह से अभी तक आपको रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि आपने जब से वीडियो डाला है लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी, कैसे लोग बात कर रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं उस नेक काम के लिए? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा ऐसा होता है लोगों का कि मेरा खुद जाने का भी पर्पस ये था कि देखिए, जब कोई, अभी जैसे आपने बोला कि लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो वो सभी बोलते हैं कि आर्टिस्ट लोग जो भी सेल्फ हैं, अगर वो आए तो उनको देख के बाकियों को एक प्रेरणा मिलती है कि यार अगर वो गया है तो हमें तो जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा होता है कि हाँ, अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव करते हैं, तो अगर लोगों ने ऐसे सराहना की है तो उसके साथ भी बहुत से लोग जुड़े, उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि सर कैसे हम मदद कर सकते हैं, बताइए बताइए। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो ये बात फैली, उससे मदद करने भी है, हमें बहुत सहायता मिली, क्योंकि उसके जरिए बहुत सी सहायता भी पहुंच गई वहां पे। तो हाँ जी बिल्कुल, अच्छा लगता है जब, अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा नेक काम कर रहे हैं, लोगों को, समाज को, सोसाइटी को अच्छा लग रहा है, तो खुद को भी थोड़ी खुशी होती है कि चलिए हम थोड़ा बहुत योगदान दे रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के, और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें और लोगों के प्रेरणा बनते रहें। थैंक्स अ लॉट हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।